मत सोचो कि उसने क्या कहा। क्या सच में? मैं घर आ गया। मैंने तुम्हारी आवाज़ पकड़ ली। क्या? वो मैं वॉइस प्रिंट इकट्ठा कर रहा हूँ। वॉइस प्रिंट? ये क्या होता है? जिस तरह हर इंसान के अलग अलग फिंगर प्रिंट्स होते हैं, वैसे ही हर किसी की आवाज़ भी अलग होती है। ये उस आवाज़ की खास कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ लेता है और उसे कैंडी बना देता है। वॉइस प्रिंट कैंडी मेकिंग मशीन। अरे ये तो कैंडी है। और अब जब मैं सिखाऊंगा तब। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तुम्हारे दोस्त नोबिता। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरी ही आवाज है। मेरी मदद करो ना। ये तो बिल्कुल ही मेरी आवाज है। मेरे पीछे पड़ा है, सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं ऐसी बातें नहीं करता डोरेमोन। मेरा सुबह करने का मन नहीं है, चलो ना बाहर कहीं घूमते चलते हैं। अरे हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। हम बहुत ज्यादा खेलेंगे और फिर बहुत ज्यादा सोएंगे और बाद में हम बहुत ज्यादा स्नैक्स भी खाएंगे। क्यों? हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो बेटा, बेटा क्या तुम सच बोल रहे हो? अब बेकार की बातें करना बंद करो और जाकर अपना होमवर्क करो। इतना सारा होमवर्क करने से अच्छा है कि मैं मॉम की डांट ही रोज खा लूं। तो बेटा क्या कर रहे हो? मॉम भी कुछ नहीं कह रहा, मैं बस अपना होमवर्क कर रहा हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। डोरेमोन, मुझे ऐसे परेशान मत करो। अच्छा तो ठीक है, क्यों ना तुम डोरेमोन के साथ जाकर डोरा केक्स खरीद कर ले आओ। मुझसे नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँगा डोरेमोन? अरे ये तो सो गया। चाहिए, मुझे चाहिए। चलो इससे मजे करते हैं। तो इससे मैं सबसे पहले किसकी वॉइस कैंडी बनाऊँ? अरे नोबिता, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं सुनियो की वॉइस कैंडी नहीं खाना चाहता। अरे नोबिता रुक जाओ, आज तुम बहुत जल्दी में हो, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी क्या है। अच्छी खबर? दरअसल बात यह है कि मेरे पास एक बहुत ही कमाल के शो की एक एक्स्ट्रा टिकट है नोबिता, और इस टिकट का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो नोबिता, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं तुमसे ही पूछ लूं। क्या तुम सच कह रहे हो? प्लीज मुझे ये दे दो। आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, अब मैं चलता हूँ नोबिता। देखते हैं कौन से बड़े शो का टिकट है। आप जीते हैं ग्रैंड प्राइज। जियान का बर्थडे स्पेशल। मुझे ये नहीं चाहिए। तुम्हें ये क्यों नहीं चाहिए? मुझे चाहिए। ये हुई ना बात, अगर ऐसा ही है तो मेरे पास एक और है, सिर्फ तुम्हारे लिए खास। मेरे पास 10 टिकट है। तुम सब आखिर मेरे लिए भी एक टिकट क्यों ले आए हो? नोबिता मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? उधर ही आ रहा है। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मैं जानता हूँ सबको गाने का इंतजार है। आखिर इसका इंतजार कर कौन रहा था? आज ना जाने क्या होगा। दोस्तों, आज के खास जियान के बर्थडे स्पेशल में तुम्हारा स्वागत है। जियान का हैप्पी बॉय बॉय रिसाइटल। मैं तैयार हूँ, क्या तुम सब तैयार हो? ये खत्म हो गया। अरे तुम मेरी कितनी तारीफ कर रहे हो। जियान मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर हो तुम। तुम्हें हमेशा पता होता है कि मुझे क्या कहना है। ठीक है, सुनियो खास तुम्हारे लिए एक और गाना। क्यों सुनियो? माफ कर दो। तुम्हारी वजह से अब हमारी जान खतरे में है। सही कह रहे हो। तुम सब रो रहे हो, क्या तुम्हें इससे इतनी खुशी मिली है? ठीक है, अब जब तक मेरे गले में जान है मैं गाऊंगा। अरे नहीं डोरेमोन। ओह, मुझे पता है क्या करना है। जियान, ये कैंडी गले के लिए अच्छी होती है। हे, शुक्रिया, मैं खाता हूँ। बहुत अच्छी आवाज है। बड़ा छोटा क्या है तेरा।
मैं एक बार फिर से चलना चाहती हूँ। जी हाँ, वंस मोर। ये तुमने किया? मैंने टीवी के सिंगर सौरी योगी की आवाज़ को कैंडी में बना दिया था। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम चाहते हो मैं दोबारा एक गाना गाऊंगा। समझदार हूँ प्लीज। ये बहुत ज्यादा हो गया है नोबिता। प्लीज एक बार कह दो ना, ये लो। ओके। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो नोबिता। बहुत अच्छे। मुझे नोबिता, ये जिया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं, कहा कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये तो चमत्कार ही हो गया नोबिता। ये तो वो कॉमिक बुक है जो उसने मुझसे ली थी डोरेमोन। क्या ये सब तुम्हारी है? ओ मुझे माफ कर नोबिता, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, तुम कमाल हो और प्यारे दोस्त हो। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त बने रहोगे। तुम आखिर ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? इस तरह भागो मत नोबिता। अरे क्या तुम नोबिता को ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें उसी ढूंढने में मदद करता हूँ। हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नोबिता को कुछ नहीं करने दूंगा, समझे? तो मैं यहाँ तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। क्या तुम टीवी पर गाना गाने वाले हो और तुम्हें एक और वो वाली गानी चाहिए? हाँ, मैंने एक टीवी शो का ऑडिशन पास कर लिया है जिसका नाम है लेट्स बी अ स्टार। और कंपटीशन जीतने पर तुम प्रोफेशनल सिंगर बन जाओगे। हाँ, तुम जानते हो मैं शुरू से ही एक सिंगर बनना चाहता था। पर वो कैंडी तो दरअसल। प्लीज दोस्तों मेरी मदद करो। मुझे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। जल्दी आओ। हाँ, आ रहा। क्या बात है नोबिता, बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। आज जियान टीवी पर आने वाला है डैड। क्या जियान सच में आएगा? क्या तो ये है इस हफ्ते? हाँ बिल्कुल, उसी को जीतना चाहिए। उसकी आवाज एक सिंगर जैसी जो है। इस मिनट उसे कैंडी के बारे में सब कुछ पता है ना? क्या बता दिया है? कि वो कैंडी सिर्फ 30 मिनट के लिए काम करती है, उसके बाद आवाज पहले जैसी हो जाएगी। बताया ही नहीं। अरे नहीं, अगर उसने वो कैंडी पहले खा ली तो? अब जियान की आवाज़ हर एक देश के टीवी पर गूंजने वाली है क्या डोरेमोन? अब आप सभी के सामने परफॉर्म करने आने वाले हैं जियान। सब ठीक होगा। मैं हूँ नंबर 3, मेरा नाम है जियान। ये तो जियान की आवाज़ है। जल्दी करो, जल्दी करो, सब कान बंद करो। ये लो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ सबसे ताकतवर। प्लीज टीवी बंद कर दीजिए। ये क्या, टीवी काम क्यों नहीं कर रहा? आवाज़ भी कम नहीं हो रही। कमाल देश में कई जगहों पर टीवी सेट खराब हो गए और लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। घटना के बाद से ही कई लोगों की तबीयत खराब होने की खबर आई है। हमारे साथ जुड़े रहिए और खबरों के लिए। कल के शो के बाद तो हमारा टीवी बंद हो गया। जानते हो हमारा टीवी भी खराब हो गया। शायद जियान को समझ में आ जाए और वो हमें अपने शोज में ना बुलाए। लेकिन वो बहुत गुस्से में है और उसने कहा कि डोरेमोन और नोबिता को हमें सावधान रहना होगा, हम जियान के सामने नहीं आ सकते। डोरेमोन कुछ करो। इमरजेंसी कैंडी का यही सही वक्त है। जियान। क्या? चुपचाप घर चले आओ। माफ कर दीजिए। डोरेमोन, आज तो बच ही गए। तुमने जियान की मॉम की आवाज़ की कैंडी रख के अच्छा काम किया। हाँ, पर मुझे ये आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, मुझे तो लगता है ये अच्छी लग रही है। डोरेमोन, जल्दी करो, मेरी आवाज़ वापस मत दो। सिर्फ 30 मिनट की ही तो बात है नोबिता। तुम बहुत बुरे हो।